एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ट्रिपली डिलाइट्स। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर पहाड़ों की एक डिश बनाएंगे जो कि पहाड़ी संतरे से बनती है, तो उसको हम बोलेंगे यहाँ पे पहाड़ी संतरा चाट। पर उससे पहले मैं आप लोगों को याद दिलाऊंगी कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल ट्रिपली डिलाइट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज उसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल न भूलें। तो ये पहाड़ी संतरा चाट बनाने के लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है हम देख लेते हैं। यहाँ पे हम ये इस तरह का संतरा होता है, पहाड़ी संतरा है ये, तो ये हमने दो संतरे की चाट हम यहाँ पे बनाएंगे। एक मैंने अभी इसको छीला नहीं है और ये आप देख सकते हैं एक मैंने छील के रखा हुआ है और इसको बहुत ही छोटे छोटे पीसेस में अभी तो मैंने नहीं किया है, अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ किस तरह से बहुत ही छोटे छोटे पीसेस में इसको हाथ से ही हम तोड़ के रखेंगे। और साथ ही साथ चाट बनाने के लिए इसकी जो चाहिए वो यहाँ पे हमने चीनी ली हुई है, ये सादा नमक व्हाइट वाला जो प्लेन नमक होता है वो लिया हुआ है, और ये स्पाइसी सॉल्ट है, इसे हमने घर में तैयार किया हुआ है, इसकी रेसिपी भी हम बहुत जल्दी आपके साथ में शेयर करेंगे। तो इस नमक को फिलहाल मैं आपको बता देती हूँ, इसमें मैंने थोड़ा सा सादा नमक, भुना जीरा और लहसुन और खड़ी मिर्च जो आती है वो सब मिला के इसको हमने पीस के रखा है, बहुत जल्दी इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। और ये भुना हुआ जीरा पाउडर है, लाल मिर्च है पिसी हुई, और इसमें नींबू का भी यूज करते हैं, तो यहाँ पे मैं सिंपल जो नींबू आते हैं वो यूज कर रही हूँ। और आप जब ये चाट बनाएं और आप थोड़ा सा ज्यादा खट्टा और पसंद करें तो आप उसमें जो पहाड़ी नींबू आते हैं वो उसमें डालें। तो अभी मैं आपको सबसे पहले ये दिखा देती हूँ कि इस संतरे को हमने कैसे छीला है और किस तरह से हमें इसके छोटे छोटे पीसेस करने हैं। सबसे पहले इस संतरे को मैं छील के आपको दिखाती हूँ, और ये आप साइज भी देख रहे होंगे, नॉर्मल जो संतरा आता है उससे थोड़ा सा बड़ा है साइज में, तो इसको छुरी की मदद से हम छीलेंगे। पहले इसको हम पूरा छील लेंगे। और ये चाट फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी बनती है, और स्पेशली पहाड़ी साइड में या पहाड़ों पे वहाँ पे जो भी लोग रहते हैं तो सर्दियों के मौसम में पसंद करते हैं इस चाट को खाना, तो एक बार आप लोग भी इसे जरूर ट्राई करें, बहुत ही अच्छी लगती है ये। ये देखिए इस तरह से हमने इसको छील लिया है और अब इसको काट लेंगे छुरी से। पहले छुरी से ही छोटे छोटे टुकड़े हम काट लेंगे, उसके बाद में फिर हाथ से और छोटे टुकड़े करेंगे, और इसमें जितने भी बीज अंदर निकलेंगे वो सारे बीज हम हटा देंगे, एक बाउल में अलग कर देंगे बीज। इसके बाद ये देखिए इस तरह से हाथ से छोटे छोटे बिल्कुल पीसेस करेंगे हम इसके, और इस तरह से पीसेस कर रही हूँ मैं, और दोनों संतरे की इसी तरह से कर लूंगी। उसके बाद में इसमें मसाले ऐड करेंगे। इस तरह से हमने इसके पीसेस कर लिए हैं और अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें नींबू डाल देंगे, तो एक टेबलस्पून हम नींबू का रस डालेंगे इसमें, और उसके बाद में फिर हम इसमें मसाले डालेंगे, इस तरह से मिला देंगे नींबू का रस। और अब इसमें मसाले हम ऐड करेंगे, तो आप जितना स्पाइसी मतलब आप हल्का रखना चाहते हैं या ज्यादा उस हिसाब से आप मसाले डालेंगे। चीनी हम इसमें 1/4 चम्मच के करीब डालेंगे और सभी मसाले एक एक करके डालेंगे। थोड़ी सी लाल मिर्च डाल देंगे और ये थोड़ा सा जीरा पाउडर इसमें डालेंगे, और अब हम इसमें ये स्पाइसी सॉल्ट डालते हैं जो मैंने आपको बताया था, और एक चुटकी हम इसमें प्लेन सॉल्ट भी डालेंगे, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो प्लेन सॉल्ट स्किप भी कर सकते हैं। अब इन सभी चीजों को मिला लेंगे। इस तरह से हमारी जो संतरा चाट हमने बनाई है पहाड़ी संतरा चाट बनके तैयार हो जाएगी। ये स्पाइसी खट्टी मीठी पहाड़ी संतरे की चाट बनके रेडी हो गई है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें और हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।